Sit. Excuse me. Yes. I forgot my card in another jacket. Can you check my card with my SSN number? No. भाई साहब फट गई थी, पूरी फट गई थी। क्या खतरनाक इंसिडेंट हुआ भी मेरे साथ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई, रात बहुत तगड़ी बारिश हुई थी, तो पूरा रोड बोर्ड हर जगह गीले गीला है और सर्दी भी बढ़ गई। आज रात भी काफ़ी सर्दी थी, तो नॉर्दर्न लाइट्स दिखने के चांसेस थे ना, तो नॉर्दर्न लाइट्स जब ही दिखती हैं, जब बिल्कुल फेवरेबल मौसम हो, मौसम बढ़िया हो, क्लियर हो, तो काफ़ी फ्रेंड्स गए थे पासी के बीच, तो वहाँ से बढ़िया एकदम मस्त नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही थी, ग्रीन ग्रीन हो रखा था पूरा आसमान, लेकिन मैंने मिस कर दिया, मुझे देखने का मौका नहीं मिल पाया, तो किस्मत ख़राब थी। कोई बात नहीं, मौका मिलेगा यार, अभी तो अपने पास टाइम ही टाइम है, कभी भी देख लेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड बाय द वे, अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तो भाग भाग के, डेली का भाग भाग के हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ की ना सुबह 8:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और अटेंड करनी पड़ती है, तो चक्कर में लेट, तो बिना नहाए धोए मीटिंग अटेंड कर ली, फिर नहा धो के ऑफिस निकल जाओ। तो अभी चलते हैं ऑफिस, ट्रेन आने वाली है 3 मिनट में। अब मैं टाइम पहले ही देख लेता हूँ यहाँ चलने से पहले कि किस टाइम ट्रेन है, तो यहाँ पे आके वेट नहीं करना पड़ता, नहीं तो टाइम बहुत ख़राब होता है। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. Yep. I forgot my card in another jacket. Can you check my card with my SSN number? No, I cannot check anywhere. I forgot my card in my another jacket. Can you buy with the phone? भाई साहब फट गई थी, पूरी फट गई थी। क्या खतरनाक इंसिडेंट हुआ भी मेरे साथ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। भाई टीटी आ गया था, मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करता हूँ कि आप लोगों को दिखाता हूँ कि टीटी यहाँ पे कैसे चेक करते हैं कार्ड वगैरह। मुझे तो यकीन था कि मेरे पास कार्ड पड़ा है जेब में या फिर पर्स में होगा, लेकिन मुझे क्या पता था, मैं कल भूल गया अपनी रेड जैकेट में, क्योंकि बस में बैठा था तो बस में टच करना पड़ता है, तो वो मैंने अपनी जैकेट में रख ली रेड वाली में, और ग्रीन वाली में पहन के आ गया। मैं ढूंढू कहाँ गया भाई साहब, पूरी फट गई। क्या बताऊँ मैं, क्या लगी, इतना घबरा गया अंदर से मैं, बुरे वाला, बहुत बुरे वाला घबरा गया था, सच में बुरी हालत हो गई थी। मैंने ढूंढा, मैंने कहा क्या कहूँ भाई इससे, मैंने उसे समझाया कि मेरी रेड दूसरी जैकेट में रह गया कार्ड, और भाई वो घर पे रह गया जैकेट में, दूसरी पहन के आ गया, और भाई मुझे तो दिखा कि गए आज तो 100 यूरो भाई, फट गई थी पूरी। वो तो भाई टीटी अच्छा था, उसने कहा कि अभी टिकट बुक कर लो, तो मैंने ट्राई किया लेकिन टिकट ही बुक नहीं हुआ, तो भाई इतनी बुरी किस्मत तो साली क्या ही होगी। फिर मैंने उसे कहा कि भाई टिकट ही बुक नहीं हो रहा, और इसने कहा कि दूसरे पेमेंट मेथड से ट्राई कर लो, तो मैंने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ फोरेक्स कार्ड है पेमेंट करने के लिए, तो फिर उसने बोल दिया चलो ठीक है बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। तो भाई टीटी अच्छा था, बच गया, नहीं तो बुरी हालत हो जाती है अभी सही में। ऐसा नहीं सोचा था मैंने, ऐसा भी हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड करूँगा और ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा मेरे साथ। भाई साहब आज तो सही में फट गई थी यार, वो मंजर मैं भूल नहीं पा रहा, जब मैं अपने पर्स में ढूंढ रहा था कार्ड और मुझे मिला नहीं, जैकेट वैकेट की जेब भी देखी, क्या भाई घबरा गया था मैं, बुरे वाला घबरा गया था, बिकॉज 100 यूरो फाइन लगता। अगर बाई चांस टीटी अच्छा नहीं होता, भाई अच्छे हैं यार लोग यहाँ के, मतलब उसने छोड़ दिया वार्निंग दे के, मतलब वार्निंग वगैरह तो कुछ दी नहीं, ये बोला कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, तो मैं जाने दे रहा हूँ, तो लेकिन नेक्स्ट टाइम से भाई ध्यान रखूँगा मैं। यार ये बस का चक्कर बड़ा ख़तरनाक है, बस में बैठ जाते हैं तो वो टिकट लगाना पड़ता है, तो पर्स में रखने में दिक्कत होती है, तो कई बार जैकेट में रख लेते हैं, जेब में रख लेते हैं। ओ भाई क्या बताऊँ, बस ख़तरनाक सीन हो गया आज तो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है भाई, बिल्कुल नहीं इमेजिन किया था कभी, लेकिन वही है, ये ज़िंदगी हर चीज़ दिखा देती है आपको, अच्छा बुरा और डर वाला भी, तो बिल्कुल ख़तरनाक वाला सीन था, मैं निकाल नहीं पा रहा अपने दिमाग से सही में ये तो। और सबसे अच्छी बात है रिकॉर्ड हो गया, तो अब ये नहीं है कि मैं फील कर सकता हूँ मैं कैसा दिख रहा था उस टाइम पे, तो मैं देख सकता हूँ, मैंने देखी नहीं अभी तक वो वीडियो, तो मैं देखूँगा मैं कैसा बिहेव कर रहा था, वो उसने क्या बात हुई, अबे यार मज़ा आ गया, पर ये भी होना चाहिए था एक बार एटलीस्ट, वो डर पता चले कैसा फील होता है। एनीवे चलो किस्मत अच्छी थी, बच गया, और अभी फ़िलहाल ऑफिस पहुँच गया हूँ, तो ऑफिस अटेंड करते हैं अपना, शाम को मिलेंगे आप लोगों से, बाय। सो
सो गाइस अभी ऑफिस ख़त्म हो गया, 6 बज चुके हैं और हम सब जा रहे हैं इधर। अभिषेक भाई खड़े हैं, भास्कर भाई भी हैं उधर और सनावर भाई इधर हैं। हम जा रहे हैं वॉलीबॉल खेलने अभी और मेरा टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं सनावर भाई, लेकिन हो नहीं पा रहा। मुझे सलाह दे रहे थे ये कर वो कर, खुद भी नहीं हो रहा। अच्छा पता नहीं क्या दिक्कत आ रखी है, फॉरेक्स कार्ड में पेमेंट नहीं कट रही उससे। हो गई, देखते हैं भाई क्या होगा। अगर टिकट बुक नहीं हुआ फिर किसी ने पकड़ लिया, फिर दिक्कत। देखते हैं यार क्या फंसा पड़ा है मामला पूरा ना। कार्ड भूलना जो है 9 यूरो का पड़ जाएगा आज, नहीं 9 नहीं 7 यूरो का, 2 बार टिकट लेनी पड़ेगी ग्राउंड तक पहुँचने तक की, फिर ग्राउंड से जो है घर तक। भाई के बाल देखो, कल ही कटिंग करवा के आए हैं। कितने लिए, कितने यूरो लिए बाल काटने? 15। मुझसे पर ये टिकट ही बुक नहीं हो रहा मेरा, अब समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगा। करते हैं पर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं हुई थी भाई टिकट बुक, सनावर भाई को अपने कार्ड से ही करनी पड़ी। लेकिन हाँ उनके कार्ड से हो गई, वो उनके फ़ोन में ही है पर टिकट, तो हो गया काम, कोई पकड़ेगा तो दिक्कत नहीं है। अभी नहीं भी करवाते तो भी हमारा चल जाता काम, तो नुकसान हो गया भाई 3 यूरो का, क्योंकि अगर नहीं भी करवाते तो स्लिप काट के दे देते हैं कि आपका 80 यूरो का फाइन हो गया। आप HSL ऑफिस में जाके दिखा सकते हो कि मेरे पास कार्ड था बट मैं भूल गया, तो ये मतलब उल्टा कर दो इसका, अंडू कर दो, फाइन को अंडू कर दो, तो हो जाता है। तो भाई ने जो है आज एक और 3 यूरो उड़वा दिए, एक बार पहले उड़वाए थे 3 यूरो। पहले भी ऐसे ही मोबाइल में मुझे दिखा रहे थे, दोनों गलती से हुए बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो 6 यूरो का, 6 यूरो का जूत लग गया। सॉरी। आज जिम नहीं कर पाया तो कोई नहीं, आज सारी मेहनत जो है वॉलीबॉल में कर लेंगे, क्योंकि एक तो लेट हो रहा था, 5:30 बज गए थे जिस टाइम वॉलीबॉल के लिए निकले, तो जिम के लिए टाइम नहीं मिला। फिर मैच आज इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये कह रहे थे आज गुत्थम गुत्था हो गई कुछ, कोई टीम आ रही है दूसरी तो उनके साथ मैच है। ये यहाँ का भाई चेंजिंग रूम है, वहाँ पर उधर प्ले ग्राउंड है और इधर चेंजिंग रूम, किसी को चेंज करना हो तो इधर वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं तो कर सकता है कोई भी चेंज ना। यहाँ पे ना हर चीज़ के लिए हर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो कहीं भी जाओगे आप प्ले ग्राउंड में, जैसे कल क्रिकेट ग्राउंड में गए थे तो वहाँ पे पूरी फैसिलिटी अवेलेबल थी, मतलब ग्राउंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, कोई गड्ढे वगैरह नहीं थे ग्राउंड में, तो बढ़िया था यार सिस्टम ना पूरा, बैठने बैठने का प्रॉपर टाइम पर मेंटेनेंस वगैरह करते रहते हैं। और बाहर देखो भाई ये टेनिस ग्राउंड है, ये भाई लोग टेनिस खेल रहे हैं, मैं भी खेलूँगा यार अभी टेनिस, बैट लेके आएंगे, मैं मेरा भी मन है टेनिस सीखने का ना, तो अभी कुछ दिनों में खरीदेंगे और खेलेंगे। अच्छा उनका गेम चल रहा है क्या पहले से ही? बुला रहे हैं वो लोग, खेल रहे हैं सब पहले से ही। अर्पित भाई ने हाई कर दी पोस्ते, बिल्कुल होनी चाहिए, ये सेकंड व्लॉग होने जा रहा है वॉलीबॉल पे। हाँ अभी वार्म अप करते हैं थोड़ा बहुत वॉली खेल के। ये देखो भाई ऐसे खेलते हैं टेनिस, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो आंखों से, उस दिन जब आए थे उस दिन खेल के चले गए थे। सही है यार ये, इसमें ही मज़ा आता है पूरा। मैं भी चेंज करके आता हूँ, लोअर डाल के आता हूँ, जींस में तो भाई फटफट आ जाएगी, तो भूल गया था मैं लोअर लेके आया हूँ, तो यहाँ पे सबको देख के आता है कि तू भी पहन ले, क्योंकि जिम तो मैं लोअर पहन के करता हूँ डेली, लेके जाता हूँ ऑफिस में, और वहीं नीचे ऑफिस में चेंजिंग रूम है वहाँ पर ही चेंज करके फिर अपना जिम होता है बढ़िया। लेकिन आज मैं मिस कर रहा हूँ जिम को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही ना फिर गैप आने स्टार्ट हो जाते हैं। चलो भाई कर लिया लोअर चेंज, तो चलते हैं अभी बाहर। वार्म अप चल रहा है, ब्लॉक करो। हां हां एक बंदा ज्यादा भी तो है, मुझे उसमें रखना जो जीतेगी टीम। अबे साले कुछ तरीका है भीख मांगने का? चलो सब खेल रहे हैं मस्त, और मैं यहाँ पे सबको बैठ के देख रहा हूँ भाई, पॉइंट्स गिन रहा हूँ सबके। आज यार मन ही नहीं कर रहा वॉलीबॉल खेलने का बिल्कुल भी,
तो बैठ के देख रहा हूँ जस्ट। तो अभी फिलहाल ना घर पे आ गए थे, उधर अभिषेक भाई बैठे हैं, भवानी भाई इधर है, और भवानी भाई आज शॉपिंग करके आए हैं, थोड़ी फोन लेके आए हैं। मोटो का कौन सा है? मोटो जी है। मोटो जी, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अभी, और अनबॉक्सिंग बड़ी खतरनाक होने वाली है। रुको एक सेकंड, पिज्जा टूल से अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अंदर डालो ना, ऐसे इसके अंदर डाल दो, ऐसे बिल्कुल सीधे, ऐसे पिज्जा की स्लाइस कर रहे हो। गया ना? हाँ, कट गया पूरा, बिल्कुल कट गया। देखते हैं कैसा आपका नया फोन। अरे वाह, मोटो जी 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले रेट है भाई, तगड़ा है। कितने का मिला आपको ये? ये है 150 यूरो। 150 यूरोस का मिला है भाई ये। कवर वगैरह सब चढ़ा के दिया है, मतलब आदमी को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि बाहर कवर निकाले डाले, सब ऑलरेडी मिल रहा है। निकालो निकालो। अरे वाह, मुझे लग रहा है डिस्प्ले भी कुछ चढ़ा के दे रखा है इन्होंने पहले से। हाँ, स्क्रीन गार्ड के ऊपर लेमिनेट कर रखा है यार, ये तगड़े हैं यार। यहाँ पे तो इंडिया में तो कवर देते हैं बट वो मोबाइल के ऊपर नहीं रहता, यहाँ पे भाई चढ़ा चढ़ाया आ रहा है, बढ़िया। टाइप सी है ये। टाइप सी है, भगवान का नाम लेके ऑन कर दो, बस शुरू हो जाइए किसी तरह। एंड बाय द वे, वॉलीबॉल के बाद कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाया था बिकॉज एक इशू आ गया था, तो पूरे हाथ में ऐसे रास्ते में लैपटॉप लेके आया हूँ मैं, वॉलीबॉल फील्ड से लेके घर तक अभी तक चल रहा था, तो वही देख रहा था। तो अभी हो गया था वो ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस बैठे थे। और मेरे साथ आज एक और इंसिडेंट हो गया भाई, मैं जैसे ही लोअर चेंज करने गया था ना, तो उधर मेरा पर्स रह गया था, तो मुझे याद नहीं रहा, वो वहीं रह गया अंदर ही। तो लगभग आधे घंटे बाद एक बंदा आया मुझे मेरा पर्स देने के लिए, जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट था, मतलब वॉशरूम वगैरह में जो टेक केयर वाला पर्सन होता है ना, वो बैठता है। उसने मुझे मेरा पर्स ला के दिया, उसने पूछा कि यहाँ पे किसी का पर्स मिस हुआ है क्या। फिर मैंने अपनी जेब वेब पे हाथ मारा, जब जाके याद आया मैं गया था वहाँ पे, मेरा पर्स होगा। तो मतलब आज दोनों ही काम ऐसे हो गए खतरनाक वाले, सुबह टिकट वाला और शाम के टाइम पर्स वाला। मतलब तो उसकी वजह से भी थोड़ा अपसेट हो गया था मैं यार, क्योंकि अगर पर्स कहीं और रह जाता बाई चांस तो प्रॉब्लम हो जाती बहुत ज़्यादा। और कार्ड का भी चलो मैनेज हो गया किसी तरह, लेकिन ये सीरियस मैटर था थोड़ा, मतलब पर्स का भी और कार्ड का भी, क्या कर सकते हैं। पर अभी याद रखूँगा मैं आगे से ना, बहुत ज़्यादा वो हो गया हूँ मैं, ढीला ढाला सा, मतलब काम एक तो इतना ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ें निकल जाती है दिमाग से, लेकिन अभी थोड़ा जो है प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। नया फ़ोन पकड़ के कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। रिलायबल फ़ोन है, मैंने यूज़ किया है। अच्छा, किए हैं आप? हाँ, कब किए थे? 5-6 साल पहले। कुछ भी। तो अभी सुबह के 6-8 हो रखे हैं, थोड़ी देर पहले उठा था और इस टाइम ब्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। रात तो बहुत तेज नींद आ रही थी तो सो गया था, तो सुबह का अलार्म लगा दिया था कि 6 बजे उठ के मस्त एडिटिंग करूँगा। तो अभी भाई एडिटिंग स्टार्ट करते हैं और ये व्लॉग को साथ के साथ एंड कर देते हैं। तो गाइज, आई होप कि आप लोगों का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा, बढ़िया लगा है कि नहीं लगा। तो आप लोगों से मैं जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so